Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well at your home. Today in this video we are going to discuss question answers of lesson 4, plants around us. Question 1. What are trees? Name any two trees. वृक्ष क्या होते हैं? किन्हीं दो वृक्षों के नाम लिखिए. Answer: Tall and big plants are trees. Tall यानि कि ऊंचे, big मतलब बहुत बड़े. बहुत ऊंचे और बहुत बड़े पौधे जो हैं उन्हें वृक्ष कहा जाता है. Examples: mango and neem. आम और नीम के जो पेड़ हैं, हमने यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल्स लिए हैं बेटा. आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू श्रब्स डिफर फ्रॉम हर्ब्स? जो झाड़ीदार पेड़ होते हैं वो हर्ब्स यानी कि जो जड़ी बूटियों के पेड़ होते हैं या जो उनसे छोटे पेड़ होते हैं उनसे कैसे अलग होते हैं? आंसर इज श्रब्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. जो श्रब्स यानी कि जो झाड़ीदार पौधे होते हैं वो हार्ड यानी कि सख्त और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत प्लांट्स होते हैं. वेयर एज हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड वीक प्लांट्स. जबकि जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट यानी कि नरम एंड वीक. वीक होते हैं कमज़ोर. हर्ब्स जो हैं वो बहुत ही नरम और कमज़ोर पौधे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. नेम सम प्लांट्स दैट गिव अस मेडिसिंस. ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो हमें मेडिसिंस यानी कि हमें दवाइयाँ देते हैं. प्लांट्स हमें डायरेक्टली दवाइयाँ नहीं देते हैं ना बेटा. जिन पौधों की मदद से हम दवाइयाँ बनाते हैं, जिन पौधों का प्रयोग दवाई बनाने में होता है, हमने ऐसे प्लांट्स के नेम्स यहाँ पर लिखने हैं. आंसर इज तुलसी, नीम, मिंट. आपको ये तीन ऑप्शंस यहाँ लिखवाई हैं बेटा. आप इससे अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो प्लांट हमें दवाई बनाने में मदद करता हो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे. आप इससे अलग भी लिख सकते हैं अपने आंसर में. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? जलीय. एक्वेटिक को हिंदी में कहते हैं जलीय यानी कि जल वाले या जल में रहने वाले. जलीय पौधे क्या होते हैं? आंसर वाटर प्लांट्स आर एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली. वाटर प्लांट्स यानी कि पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स जलीय पौधे कहते हैं, जैसे कि वाटर लिली. बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करते हैं, पानी में ही बढ़ते हैं. अगर वो पानी से बाहर होते हैं तो वो उन पौधों में विकास नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती. ऐसे पौधे जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करते हैं ऐसे पौधों को एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. बेटा देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन आंसर्स इन दिस चैप्टर. होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।